अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन। तो जब हम कैंपेन्स बना रहे होते हैं तो इसको ऑफ आप कर सकते हैं इनिशियल लेवल पर, क्योंकि गूगल को अभी नहीं पता है कि आपके लिए कौन सी ट्रैफिक जो है रेलिवेंट है, क्या सेल्स हैं आपकी, क्या लीड्स हैं। अगर आप ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट रखेंगे तो गूगल जो है खुद से जो है फाइंड करने की कोशिश करेगा आपके आपसे रेलिवेंट यूजर्स को, क्या आपका ऐड जो है किसको दिखना चाहिए, क्योंकि आपका एक नया अकाउंट होगा और आप लोगों को गूगल को जो है पता नहीं है कि आपके लिए रेलिवेंट ऑडियंस क्या है। इस वजह से वो हो सकता है कि गलत टारगेटिंग जो है वो स्टार्ट कर दे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसको आप ऑफ ही रखें। इसके बाद आप सिंपल सिंपली जो है वो नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से जो है आप एड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी वेबसाइट का ऐड बना रहे हैं, सपोज हम इस वेबसाइट का जो है डिजिटल एजेंसी का जो है ऐड बना रहे हैं, इस पर हम सिंपली यूआरएल ऐड करेंगे, इसका बिजनेस का नाम लिखेंगे। और फिर यहाँ पर आएंगे ऐड इमेजेस। अभी हम क्या बना रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिव एड्स बना रहे हैं। रिस्पॉन्सिव एड्स में हमें किसी इमेजेस की ज़रूरत नहीं होती है, गूगल के थ्रू ही हम सारी चीज़ें जो है ऐड कर रहे होते हैं। और रिस्पॉन्सिव एड्स के थ्रू हम अपने भी बैनर्स ऐड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव एड्स में ये होता है कि आप एक अपने कुछ क्रिएटिव्स कुछ टेक्स्ट ऐड जो है वो ऐड कर दिया, अब क्या करेगा गूगल के गूगल खुद से जो है वो एड्स जो है तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट ऐप्स पर क्यूटिप और जीमेल पर जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। सिंपल आप इमेजेस पर आएंगे और यहाँ से जो है इसने ऑटोमेटिकली जो है मेरे वेबसाइट्स को स्कैन करके ऑटोमेटिकली जो है सारे क्रिएटिव जो है वो उठा लिए। मैं अगर अपनी वेबसाइट पर आऊँ तो ये एक इमेज मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये एक इमेज जो है इस वेबसाइट पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये एक इमेज जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, मेरी वेबसाइट को स्कैन किया और तमाम इमेजेस जो है वहाँ से उठा लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से रेशोज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1:1 का इसको इस तरीके से कर लिया, जो वर्टिकल है इसको थोड़ा सा हमने इस तरीके से सेट कर लिया ताकि जो है ऐड जो है वो अच्छा नज़र आए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है फ्री स्टॉक में से भी जो है आप अपनी इमेजेस जो है वो निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल मार्केटिंग लिखें तो जो भी फ्री स्टॉक की जो इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल होंगी वो सारी इमेजेस जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो सकती हैं। तो आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करें और उसके रेशियोज यहाँ से जो है आप एडजस्ट करके वो पिक्चर्स जो हैं वो अपने ऐड में जो है शामिल कर सकते हैं। एसेट लाइब्रेरी ये आ रही है कि जो आपने एड्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं, और जो जो आप एड्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे वो सारे यहाँ पर ऐड हो गए और आपने इसको सेव कर दिया सिंपल। इसके बाद आपने क्या किया, आप यहाँ से जो है वो शफल्स भी कर सकते हैं अपने अपने आर्ट्स को। अभी हम सारी चीज़ें कर लें, एक साथ ही हम जो है उस पर भी चीज़ें देख रहे होंगे। इसके बाद हमने लोगो ऐड करना है, अगर आप लोगो ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप सिंपल अपलोड पर जाएं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पर मेरे पास ये लोगो आ रहा है, मैं इसको सिंपल ऐड करूँगा। बस साइज इसका सही होना चाहिए और उसको आप अपने लोगों को भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सेव करेंगे, वीडियो आप ऐड ना करें, अगर आप करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हेडलाइंस आती हैं, हेडलाइंस में आप लिख सकते हैं कि हेडलाइन जो है वो मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस बारे में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेस्ट डिजिटल एजेंसी, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो लॉन्ग हेडलाइन भी लिख सकते हैं कि एजेंसी टू लीड यू इनटू फ्यूचर। मतलब आपने एड कॉपी जो है यहाँ पर लिखी,
इसके बाद आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली जो मेरी वेबसाइट से उठा लिया। अगर ये बिल्कुल सही है तो ठीक है, और अगर आप इसमें एडजस्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो कैरेक्टर की लिमिट से ज़्यादा हम जो है इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। सिंपल हम ये करेंगे, और इस तरीके से जो है हमारा ऐड जो है वो नज़र आ रहा होगा लोगों को, वेबसाइट और ऐप्स पर इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, और यूट्यूब और जीमेल पर जो है इस तरीके से हमारा जो है रिस्पॉन्सिव ऐड जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो आप इस तरीके से जो है रिस्पॉन्सिव ऐड जो है वो बना सकते हैं सिंपल, और आप इसको क्रिएट ऐड जो है वो कर। तो इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्सिव ऐड जो है वो ऐड जो है वो बन गया है।